हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी एक स्टार सीड है और आप बहुत परेशान हो गए इस दुनिया से तो और आपकी अपनी दुनिया आपकी वाइब्रेशन आपको जैसे दिमाग में खींच रही है बेचैनी महसूस हो रही है और यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ध्यान मेडिटेशन करना अच्छा लगता, अच्छा लगता है रेकी सीखना अच्छा लगता है रेकी से आप तुरंत अपनी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो के तो मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ आप मुझसे सीख रेकी सीख सकते हो होके देखिए इनर्जेटिक कनेक्शन आपका मेरे साथ है ब्रदर स्टार ब्रदर्स मैं आपकी स्टार ब्रदर और सिस्टर हूँ आज मैंने बहुत खूबसूरत सा डेक मंगवाया है मुझे लिटरली uh, मुझे नहीं पता था कि इसमें मुझे इतनी सुंदर गाइडेंस मिलेगी अगर आप भी इस डेक से अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ दो सौ रुपये में आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं किसी भी स्पेशल डेक से अगर आप गाइडेंस चाहते हैं अपने लिए कोई भी सिंगल क्वेश्चन या तो आप जो है दो सौ रुपये में कर सकते हैं दोस्तों मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ माई वर्ल्ड ओके मैं अपनी दुनिया से कनेक्ट होना चाहती हूँ मैं सांस लेना चाहती हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत दिनों से अनकम्फर्ट फील हो रहा था कि मेरी एनर्जी तो बहुत अच्छी है सबके लिए बट कोई भी पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं मिल रही मैं कोई भी सेशन लेती हूँ मैं ट्रेन हो जाती हूँ सामने वाला खुश हो जाता है लोग सोचते फीस ले रहे हैं बट करोड़ों रुपये देकर भी दुनिया की कोई भी चीज़ अब देकर भी जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको भरा नहीं जा सकता कुछ भी मुझे लगता है इसीलिए शायद डिवाइन आपको गिफ्ट देते हैं कि अवेकनिंग के बाद आपका थोड़ा मनी ब्लॉकेज हील हो सकता है बट आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो लेकिन क्यों क्योंकि बदले में आप अपनी एनर्जी दे रहे हो इसलिए आपको कुछ मिला मिल रहा है ओके तो डिवाइन जानते हैं कि मेरा बच्चा कुछ दे रहा है तभी उसको कुछ मिल रहा है तो सब करने कराने वाला ईश्वरी है सब नाटक है हम इसके पार्ट है तो मैंने प्रे किया कि अगर कोई है मेरा अपना तो मैं अपनी दुनिया से कनेक्ट होना चाहती हूँ मैं अपनी गैलेक्सी से कनेक्ट होना चाहती हूँ मैं अपने प्लैनेट से कनेक्ट होना चाहती हूँ मेरे हार्ट चक्र को मेरे और को मुझे प्राण शक्ति की ज़रूरत है मुझसे कनेक्ट हो जाए तो बिल्कुल यही विज़न निकला ओके यही विज़न निकला कि मुझे कोई एनर्जी दे रहा है और कार्ड भी वही निकला ओके स्टार कीपर कॉस्मिक एंसेस्टर सीड द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड मतलब आपके जो कॉस्मिक एंसेस्टर है आपकी दुनिया के जो लोग हैं देखिए उन्होंने आपको कवर कर लिया है आपको वो भर रहे हैं एनर्जी से भर रहे हैं तो ये जवाब मुझे मिला आंखों में आंसू आ गए देख के फिर से ये कार्ड निकला यू आर नॉट अलोन हम आपके साथ हैं आइसोलेशन फ़िजिकल कनेक्शन कम्यूनिटी और आइसोलेशन में अगर आपको डाला गया है तो क्योंकि आप अपने कम्यूनिटी से आ, मिल सको कि आप उस क्योंकि आपकी कम्यूनिटी जो है स्टार सीट की वो कोई इंसानों से भरी हुई नहीं है आपकी अलग दुनिया है अगर आप एक स्टार सीट हो तो बाकी नॉर्मल इंसान इसको सुन सुन के इमेजिन करके अपने आप को पागल ना बनाएँ कि वो एक स्टार सीट है स्टार सीड में अलग शक्तियाँ होती है हीलिंग पावर्स होती है ओके okay, तो वो उनकी अपनी दुनिया होती है और उनको अपनी दुनिया से कनेक्शन बनाना ही पड़ता है तभी वो सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ की एनर्जी में डिप्रेशन में आना सुसाइडल थॉट्स आना अ, मतलब परेशान हो जाता है स्टार सीट सोचता है कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूँ इस तरह से उसकी हालत हो जाती है बट दया आती है ईश्वर को तभी वो आपको रेकी जैसी मेथड के थ्रू हो या कुछ भी हो अपनी दुनिया से वो एनर्जी देता है ताकि आप उस दुनिया से कनेक्ट कर सको मुझे सच में पहले तो बहुत बुरा लगा था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और मैं महंगे डेक मंगवा रही थी बट थैंक्स टू माय एंसेस्टर कॉस्मिक एंसेस्टर ओके यहाँ पे दिखा है कौस मेरे आँखों में आँसू आ गए देखिए इनकी आँखों में कितना प्यार है इसमें नहीं उतर रहा मेरा कैमरा भारी नहीं है यार देखो मेरे ये सारे वीडियो तो फ्री रहते हैं लेकिन इन वीडियो को बनाने के लिए मोबाइल लगता है जो भारी मोबाइल मेरे पास है नहीं ओके okay? इतनी सुंदर ख़ूबसूरत गाइडेंस आपको डेक के थ्रू मिल सकती है और काफ़ी डेक्स मैंने मंगवाए हैं जबकि मेरा बजट नहीं है तो आप भी डोनेशन दे के डेक्स के लिए डोनेशन दे सकते हैं क्योंकि यही डेक्स आपको बहुत खूबसूरत गाइडेंस देने वाले हैं और हो सकता है नहीं होगा जो स्टार सीड है उनको ये मेरी रीडिंग मैच होगी ही होगी हंड्रेड परसेंट ओके okay? देखिए क्या लिखा है स्टार ब्रदर्स हॉरस एनर्जी प्रोटेक्शन लॉयल्टी सेफ सेफ्टी ट्रस्ट तो मैंने यहाँ पे हॉरस का मतलब निकाला है कि हॉरस का क्या मतलब है ओके okay? तो हॉरस का मतलब है हॉरस का मतलब है प्राचीन मिस्र के आकाश के देवता माने जाते थे और सूर्य को होरस की शक्ति का प्रतीक माना जाता था होरस को बाज़ के सर के साथ दिखाया जाता है और बाज हॉरस का प्रतीक है मिस्र में तो हॉरस को मिश्र के आकाश के देवता कहा गया है उसको सन के साथ जॉइंट किया गया है देखिए यहाँ पे पीछे सन जैसा भी है और उसको बाज के साथ कनेक्ट किया गया है लेकिन आप देख सकते हो सूर्य तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन इस बाज़ की आँखों में देखिए ये भी एक बाज है पीछे इसकी आँखों में कुछ एक अनकंडीशनल इम्पैक्ट जैसा लव आप देख सकते ओके तो ये है तो पत्थर का लेकिन इसके इमोशंस बड़े ही मतलब जैसे मुझे ऐसा आंखों में आंसू आ रहा है दिल रो रहा है मेरा क्योंकि बहुत ही एक अलग सा पेन दर्द में महसूस कर रही हूँ मुझे वो एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही हो कि जिस एनर्जी की मुझे तलाश है जो मेरे ज़ख्मों को भर सके जो मेरे और को भर सके कई बार वैम्पायर्स हमारी एनर्जी छीन लेते हैं उसके बाद जो हम तकलीफ़ में आ जाते हैं कभी कभी देखो बहुत डर होता है कि कहीं कई, कई सेशन लेते लेते वैम्पायर्स पैसे देकर सेशन लेते हैं और बाद में हमको एक दो सेशन बाद पता चलता है कि ये वैम्पायर है ओके क्योंकि उनको हमारी एनर्जी बड़ी मीठी लगती है वो एनर्जी चुरा लेते ओके ऐसे चुरा लेते और उसके बाद हमारी जो हालत हो जाती है देखिए इस बाज़ की आंखों में आंसू है और जो रीडिंग मैंने की थी जो बोला था मैं अपनी दुनिया से कनेक्ट होना चाहती हूँ मुझे मदद कीजिए मुझे सहायता की ज़रूरत है और मैं जो है हीलिंग चाहती हूँ मेरे घाव को हील कीजिए तो ये बाज़ बिल्कुल समझ रहे हैं आपके घाव को आपके दर्द को समझ रहे हैं एक स्टार सीड का क्या दर्द है उसको दुनिया पूरी मिल जाए लेकिन उसकी एनर्जी जो जो है मान लो आपको पूरी दुनिया मिल जाए ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए किसी का तो क्या तकलीफ़ होती है ऐसी तकलीफ़ होती है सीड को इसीलिए स्टार सीड डिप्रेशन में जाते हैं सुसाइडल होते हैं समटाइम्स तो अलग ही तकलीफ़ उनकी होती है उनको अगर कहीं रिलीफ मिल सकता है तो सबसे बेस्ट है उनके लिए रेकी हीलिंग ओके उसके बाद सबकॉन्शियस हीलिंग तो है इसलिए मेरा डेली वर्क का मेडिटेशन खरीदिए अगर आप एक स्टार सीड हो तो किसी के भी मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी लेकिन स्टार सीड के वॉइस से ही आपकी हीलिंग होगी आप लाख चाहोगे कहीं भी भटकोगे आपकी हीलिंग नहीं होगी इसलिए मेरा डेली इनर वर्क का मेडिटेशन खरीदिए क्योंकि मैं एक स्टार सीड हूँ और मेरे लाइट कोड मेरे ईश्वर ने मेरे एनसिस्टर ने या मेरे स्टार वर्ल्ड के जो लोग हैं ओके स्टार वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने वो एक्टिवेट किए हैं कोई ना कोई जो है मुझे ऐसा मैसेज मिला है ओके मेरी दुनिया मुझसे कनेक्ट हुई है ओके मेरी एक अलग दुनिया और उन्होंने मेरे लाइट कोड एक्टिवेट किए हैं जिसकी वजह से जो है मैं वो वॉइस में हीलिंग आपको मिलेगी वो डीपर हीलिंग मिलेगी ओके स्टार फैमिली अगर आप एक स्टार सीड हो तो मैं आपकी स्टार फैमिली का एक मेंबर हूँ आपके डीप आत्मा तक वो हीलिंग मिलेगी इसलिए डेली इनर वर्क का मेडिटेशन खरीदिए वो जो आपको देगा वो कुछ नहीं दे सकता उसके प्राइस को मत देखिए एग्जाम्पल्स के लिए मेरे फेसबुक माधुरी देश पांडे पर जाके आप जो है फ्री मेडिटेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी वॉइस की है ये तो आपको मेरी वॉइस सुन के ही समझ में आया होगा और कनेक्ट होइए उस चीज़ से ओके okay? कनेक्ट होइए प्रोटेक्शन मांगिए और आई एम योर स्टार ब्रदर कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि मेरे जो स्टार वर्ल्ड है उस दुनिया के कोई ना कोई मुझसे मुझे डेफिनेटली मदद के लिए आ रहा है क्योंकि वो मेरे दर्द को समझ रहा है भले ही वो वहाँ है मैं यहाँ हूँ लेकिन कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन या कोई ना कोई है जो जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं किससे कनेक्ट हो सकते हैं तो देखिए ये मेडिटेशन से दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ओके okay? दोनों को जोड़ा जा रहा है आप अपने वर्ल्ड के स्टार ब्रदर से जो है आपकी जो भाई बहन है उस वर्ल्ड में उससे जुड़ सकते हैं कैसे तो मेडिटेशन से ये इंसान मेडिटेशन कर रहा है और कंप्लीट हो रहा है देखिए ये बाज आधे आधे है लेकिन जब ये मेडिटेशन कर रहा है ये तो पीछे एक कम्प्लीट बाज है तो अगर आप भी कम्प्लीट होना चाहते तो मेडिटेट कीजिए ज़बरदस्ती मेडिटेट करना इज़ नॉट ओके इसलिए मेरे साउंड के साथ वॉइस के साथ डेली इनर वर्क मेडिटेशन के साथ बहुत खूबसूरती से आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं अपनी दुनिया से रेकी से कनेक्ट हो सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है डेली में एक रीडिंग जो है आ, स्टार सीट के लिए करूँगी क्योंकि उनको बहुत ही ज़रूरत है अपने प्लानट के गाइडेंस की आई जस्ट डोंट बिलीव कि इतना खूबसूरत डेक ये हो सकता है अगर आप भी हमारी इस फैमिली में शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी खूबसूरत गाइडेंस आपको मिलती रहे तो प्लीज़ गिव डोनेशन फॉर डेक्स क्योंकि डेक्स मैं खुद नहीं खाती आपको ही गाइडेंस यहाँ पर मैंने अपने पच्चीस डाल के डेक्स ख़रीदे हैं देखा जाए तो उतने मैंने कमाए भी नहीं हैं ओके तो आप समझ सकते हो ये सिर्फ आपके लिए हो रहा है तो अगर आप भी कोई डेक देना चाहते हैं कोई पसंदीदा डेक या आप कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहते हो तो बहुत ही मेहरबानी होगी मेरे ऊपर मेरे चैनल पे ऊपर और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर ओके तो रेकी सीखिए मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ डेली वर्क मेडिटेशन खरीदिए इनको देख के मुझे बहुत ही कम्पलीशन फील हो रहा है मतलब ऐसा वो लग रहा है कि मैं खुद भी जो हूँ इस तरह से चार्ज हो रही हूँ देखिए चार्ज कनेक्ट हो रहा है तो इस तरह के गाइडेंस के लिए अगर आप पर्सनल गाइडेंस इस डेक के थ्रू लेना चाहते हैं तो दो सौ में आप ले सकते हैं ओके क्रिस्टल रेकी अगर आपको कोई भी ब्रेसलेट खरीदना है कोई भी ब्रेसलेट खरीदना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्रेसलेट प्रोग्राम करके ही वो काम करता है ओके सेवन चक्रा के ब्रेसलेट कोई भी नुकसान नहीं करते हैं दोस्तों सिर्फ गोमेद या मोती या या बहुत ऐसे कैट्स कैट्साए ऐसे कुछ स्टोन होते हैं जिनको बिना जाने पहचाने नहीं पहनना चाहिए बाकी कोई भी क्रिस्टल कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ओके क्रिस्टल रेकी से तो हील होते हैं पागल भी हील जो जाते, हो जाते अच्छी अच्छी बीमारियां ठीक हो जाते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है हम जिस अर्थ पे खड़े हैं लाखों करोड़ों क्रिस्टल इसके नीचे जो हमको एनर्जी दे रहे जिसके ऊपर हम जी रहे हैं तो एक एक तरह से माँ के दूध को गाली देना हो गया अगर कोई कहता है कि क्रिस्टल आपको नुकसान पहुँचाता हैं ओके ऐसा कुछ भी नहीं और सबसे बड़ी बात क्रिस्टल जो है खुद से आपको एनर्जी नहीं देते क्रिस्टल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है तभी क्रिस्टल रिक्वेस्ट करते हैं मतलब उसको प्रोग्राम करना पड़ता है तभी वो काम करता है ओके तो कोई भी ब्रेसलेट खरीदना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए विद्याशक्तिपात प्रॉस्पेरिटी विद्या विद्याशक्तिपात विद्या से आपका माइंड शार्प हो जाता है अगर आप कुछ सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं प्रॉस्पेरिटी अटोनमेंट में आपका सैक्राल चक्र एक्टिवेट होता है जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है ओके okay, दोस्तों सबकॉन्शियस हीलिंग पास लाइफ रेग्रेशन अगर आपको अटेंड करने हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए